मैं पूजा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के फरुखाबाद से, जहां वाजिदपुर टोल प्लाजा बूथ के स्थान परिवर्तन पर अड़ी भाकयूटी अनिश्चितकालीन धरना जारी। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फंटासिया वाटर पार्क। वाराणसी के सुप्रसिद्ध वाटर पार्क में आपका स्वागत है। रोमांच और मस्ती की दुनिया में डुबकी लगाएं, ऊंची ऊंची वाटर स्लाइड्स और वेब पुल से रोमांच का अनुभव करें। परिवार संग एक बार अवश्य आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फरुखाबाद से, जहां जिले के थाना जहानगंज क्षेत्र के ग्राम वाहिदपुर में बन रहे टोल प्लाजा बूथ के स्थान परिवर्तन को लेकर जिला प्रशासन एवं भारतीय किसान यूनियन टिकट में जंग छिड़ गई है। वहीं आपको बताते चले कि भारतीय किसान यूनियन टिकट ने अनिश्चितकालीन आरंभ कर दिया है, जिसे देखते हुए सदर SDM गजराज सिंह यादव मौके पर पहुंचे और भारतीय किसान यूनियन टिकट के मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकर मिश्रा से वार्तालाप की, परंतु दोनों में कोई भी सार्थक निर्णय नहीं होने के कारण धरना जारी है। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय जनता एवं भाकयूटी के पदाधिकारी एवं सदस्य मौके पर मौजूद थे। देखें फरुखाबाद से मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। चालू। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं खबरों के सिलसिले में। हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं केंद्रांचल के फरुखाबाद जनपद अंतर्गत थाना जहानगंज के ग्राम वाहिदपुर में, जहाँ टोल प्लाजा को लेकर जो विरोधात्मक प्रतिक्रियाएं चल रही थी, उसमें एक नया मोड़ आ गया है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा कर दी गई है। हमारे बीच बैठे हैं सीधी बात में प्रभाकांत मिश्रा, मंडल उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत। प्रभाकांत जी, इससे पूर्व भी धरना प्रदर्शन आपने किया और बीच में स्थगित किया, स्थगित करने के बाद पुनः आपका आज से अनिश्चितकालीन धरना आरंभ हुआ। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई जो एक आम धरने को आपने अनिश्चितकालीन धरने में परिवर्तित कर दिया? ये अनिश्चितकालीन मुझे ये इसलिए करना पड़ा, यहाँ के प्रशासन शासन के लोग अपनी हर गर्मी में हैं। मैं तो चाहता था कि वार्ता हो जाए, दो दिन हमारे फाटक खुले रहे वार्ता करने के लिए, दो दिन मैंने टाइम भी दिया। आज भी मैंने कहा वार्ता का दौर हो जाए कि किसान गर्मी में, हमें नहीं इच्छा कि हम गर्मी में यहाँ बैठें, लेकिन किसानों की जो अत्याचार हो रहे हैं यहाँ के शासन के प्रशासन लोग कर रहे हैं, उसको देखते हुए मैंने आज अनिश्चितकालीन का धरना ऐलान किया। और ये जब तक चलेगा, जब तक मुझे उत्तर नहीं दिया जाएगा कि टोल प्लाजा आना बंद नहीं बनेगा, तब तक ये जारी रहेगा। और ये पूरा निर्देश मुझे वहाँ शिविर में, जो चिंतन शिविर अभी चला, टिकैत साहब ने मंच पे घोषणा की, उन्होंने यहाँ तक की कि आप एक वन में आप आधा रोग घेर करके ही धरना देंगी, जहाँ धरना स्थल है, जहाँ काम हो रहा है, उसको रुकवाने के बाद वहाँ धरने वहीं पे बैठेंगे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हम चाहते हैं कि हमारे और प्रशासन के बीच में, शासन के लोगों के बीच में कोई ऐसा रास्ता निकले जो किसानों का भी भला हो और प्रशासन का भी बात रह जाए, मैं ये एक रास्ता चाहता हूँ। अब से कुछ क्षणों पहले SDM सदर गजराज सिंह यादव का आगमन हुआ था। गजराज सिंह यादव और आपके बीच में क्या वार्तालाप हुई? ये तो वार्तालाप सटीक नहीं हुई, उन्होंने अपनी कहा, मैंने अपना कहा। हमने भाई किसान को देखते हुए आप अपने निर्णय कर लो, हम तैयार हैं, लेकिन किसान की पीड़ा सुनो, चाहे DM साहब सुने चाहे आप सुने। उन्होंने कहा भाई हमारी ताकत नहीं DM साहब सुनेंगे, तो DM साहब सुन लें, ये टोल प्लाजा नहीं बनेगा, 2 किलोमीटर आप आगे ले जाइएगा, इधर को सहमत हो जाए, किसानों को मना लेंगे, यहाँ से हम चले जाएंगे। जब तक टोल प्लाजा नहीं हटता है, तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। तो उन्होंने बार बार यही कहा, मिश्रा जी मान लो, ये कोई रास्ता निकाल लो, हमें रास्ता आप लोग निकालेंगे,
हम रास्ता निकाले बैठे हैं कि चोट बलाया है नहीं बना के हमने रास्ता निकाल दिया। आज से कुछ दिन पूर्व SDM गजराज सिंह यादव ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि STA ऑर्डर ले आओ, हम अपने कार्य क्षेत्र को रोक देंगे। उसके बावजूद आप लोग STA ऑर्डर के बजाय आप लोग धरने पर बैठे हैं, ऐसा क्यों? हम इससे नहीं लाना चाहते, किसान इससे नहीं लाता। हम तो कहते हैं हम इससे ले आए। हम उनसे भी आह्वान करते हैं कि अपने नक्शा और कागज दिखा दें कि हम यही स्थापित है, हम मान लेंगे। हम तो कहते हैं आप हमसे इससे मांगते हो, हम तुमसे नक्शा और कागज मांगते हैं कि टूट राजा यहाँ आए क्या अंत कहीं है। हम चाहते हैं यहाँ दिखा दे हमें, हम चले जाएंगे, तब भी चले जाएंगे हम। वर्ष 2018 में यहाँ का नक्शा पास हुआ था जो है इसको लेकर, तो आखिर 2018 से आप लोग क्यों मौन थे? हम 2018 तक इसलिए मौन थे कि 2018 ये तो आप बनाने आए, ये उधर बना रहे थे, पता नहीं किस कारण बस इधर आए। इसलिए हम जब से यहाँ बनना शुरू हुआ यहाँ किसान तभी से धरना चला गया। हमारा आदेश जब काम शुरू तभी यहाँ हम धरने पे, इसलिए 18 से नहीं बनाया इन्होंने। 18 में जब स्थापित था तो तब तक क्यों नहीं बनाया? वहाँ गड्ढे क्यों खुदवाए? वहाँ सरिया और लिबिया क्यों नहीं डाली गई? यहाँ जब काम लगा तभी धरने पर हम और पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा। फर्रुखाबाद की जनता विकास 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 करती है, विकास में ही एक पहलू जो है सो NH है, तो आखिर जब फर्रुखाबाद की जनता विकास की बात करती है तो NH का विरोध क्यों? अरे NH में विरोध ये है कि क्या विकास किसी किसान के घर में कराओगे? क्या बुलडोजर किसान के घर में चलाओगे? विकास तो बहुत पूरा जनपद पड़ा है विकास करने के लिए, कहाँ विकास हुआ? हम बताते जो जितने भी अंडरग्राउंड रेलवे के बने हैं जो विकास हुआ है उनमें चौमासल में साइकिल नहीं निकल सकती, वहां तो छोड़ो कहाँ विकास है। हम विकास की बात करें, विकास इनके घर में होगा? अरे विकास तो मैं जगा दूंगा, आओ आबादी गैर आबादी क्षेत्र पड़ा हुआ है 2 किलोमीटर आगे बने वहां बनाए टोल प्लाजा। हम टोल प्लाजा का विरोध नहीं करते हैं, टोल प्लाजा करें विकास करें हम संग देंगे, लेकिन आबादी क्षेत्र में टोल प्लाजा नहीं बनेगा। जैसा कि आपने ही कहा, तो अगर आपके अगर आप लोगों के अनिश्चितकालीन धरने का आज प्रथम दिन है, अगर किसी कारणवश जिला प्रशासन आपकी बातों को आज नहीं मानती है तो अगला स्टेप क्या हो सकता है? अगला स्टेप तो यही है शांतिपूर्वक धरना देंगे। अगर स्टेप हमारा कहने का है कि जब जिला प्रशासन के लोग और जिला शासन के लोग रास्ता बनाएंगे उसी पे किसान चलेगा, तब तक शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन हिंसक नहीं है, शांतिपूर्वक है, शांतिपूर्वक से अपनी पीड़ा कहेंगे, हमारी पीड़ा जरूर सुनी जाएगी हमें उम्मीद है। आप कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक आप लोगों का आंदोलन होगा, अभी तो आपके ही धरना प्रदर्शन के दौरान डंडे देखे जा रहे हैं, इस पे क्या कहना है आपका? नहीं, डंडे तो किसानों के लाइसेंस है, ये डंडा किसान नहीं ले चलेगा। रात में खेत में जाता, सांप मिल जाए, कुत्ता मिल जाए, पेंदुआ मिल जाए, भेड़ा मिल जाए, तो ये अपना बचाव कर। आज का संचालन का काम आप करेंगे, मैं निवेदन करूंगा श्री गोपाल मिश्रा जी से आए और मंच के संचालन सुचारू रूप से करें श्री कृष्ण गोपाल मिश्रा जी। 30 किलोमीटर के पास में ये राधा स्वामी के पास जो पड़ता है वहां पे ये प्रस्तावित हुआ था, और ये प्रस्तावित हुआ हम लोगों ने उसको कोई खास विचार नहीं किया, चलता रहा। उस समय इस एनएच के चालू